पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की। मंच से उमा भारती ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे सरकार से निकाला नहीं गया था, मैंने तिरंगे की खातिर पद छोड़ा था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहरा ग्राम में सभा को संबोधित किया। सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि मुझे सरकार से निकाला नहीं गया था, कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था, मैंने स्वयं तिरंगे की शान के लिए सीएम पद छोड़ा था। उमा भारती ने कहा, मुझ में संयम और धैर्य नहीं है, मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम है। उमा भारती ने इस दौरान शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की। उमा भारती ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। जब उन्होंने देखा कांग्रेस की सरकार में अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, भारतीय जनसंघ में शामिल हुई। प्रदेश में आज जो भाजपा है वह राजमाता विजया राजे सिंधिया तथा कुशाभाऊ ठाकरे के कारण है। और इसलिए जब मैंने तिरंगे के लिए सरकार छोड़ी, मैं सरकार से निकाली नहीं गई हूँ। मुझे कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था सरकार से, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया था तो मुझे सरकार से निकाल सकता। मैंने खुद तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो मुझे ये लग रहा था कि इतनी तपस्या से बनी हुई सरकार कौन चलाएगा। और अंत में आज मैं घोषणा कर सकती हूँ, वो आज मेरे साथ नहीं है, कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई शिवराज जी ने 13 साल, उतनी ही तपस्या से वो सरकार चलाई। और जैसी सरकार चलाई शायद उतनी अच्छी मैं भी ना चला पाती। तो इस प्रदेश में जब जनसंघ बना और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जब अपनी तपस्या से जनसंघ को सींचना शुरू किया, उसी समय पर कांग्रेस की सरकार के अत्याचार बढ़े और ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार के अत्याचार कम नहीं हो रहे, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुई और मध्य प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी के कारण है। इसलिए जब गोविंद ने कांग्रेस छोड़ी और गोविंद भारतीय जनता पार्टी में आए, तो आप यकीन करिए जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, मुझे गोविंद की वैसी ही चिंता लगी हुई थी। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।